एवरीवन, आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगा मैं कौन सी एक्सरसाइजेज करता हूं जिससे मेरे एब्स की मसल इतनी ज़्यादा विजिबल है और बहुत जल्दी फास्ट एक्टिंग वर्कआउट्स हैं ये आपके एब्स की मसल को बिल्डअप करने के लिए। एब्स भी किसी आपकी बॉडी की दूसरी मसल्स की तरह ही है। जैसे आप अपने बाइसेप पे वेट लिफ्ट करते हैं उसी तरह आपको अपने एब्स की मसल को अगर बिल्डअप करना है तो आपको उस पर भी वेट लिफ्ट करना होगा। और साथ साथ जब तक आपके पेट का बैली का फैट कम नहीं होगा तब तक आपके एब्स विजिबल नहीं होंगे। तो जो मैं वर्कआउट आज आपको बताऊंगा जो कि मैं खुद करता हूँ उस वर्कआउट से आपकी एब्स की मसल्स बहुत जल्दी बिल्डअप होंगी और साथ साथ आपके एब्स और आपके बैली फैट भी कम होगा। ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अपर एब्स के लिए दो एक्सरसाइजेज लोअर एब्स के लिए और दो एक्सरसाइजेज अपने ओब्लिक्स के लिए करता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरह आप घर रह के अगर आप ज़्यादा हार्ड वर्कआउट नहीं कर पाते, आपकी एज ज़्यादा है या फिर कुछ भी कोई भी रीज़न है, तो आप किस तरह अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं। मैंने आपको बहुत ईजी तीन एक्सरसाइजेज बताई थी। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा वर्कआउट बताऊंगा जो आप जिम में जाकर ही कर सकते हैं लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आपकी एब्स की मसल बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी डेवलप हो सकती है। फर्स्ट एक्सरसाइज एब्स के लिए क्रंच और सिटअप्स का सुपर सेट। पहले क्रंच टू फेलियर, क्रंच जो है बेसिकली वो आपको फैट बर्न करने में हेल्पफुल होती हैं और जो सिटअप्स होती हैं वो आपकी एब्स की मसल को बिल्डअप करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। सेकंड एक्सरसाइज जो मैं करूँगा वो होगी वेटेड केबल क्रंचेज। जो ये केबल क्रंची जैन में आपको सीधा स्ट्रेट अप डाउन नहीं करना अपनी बैक को, आपको अपनी बैक को ऊपर ले जाते वक्त स्ट्रेट और नीचे ले जाते वक्त आपको अपनी एल्बो को अपनी थाई की तरफ इस तरह अंदर की तरफ अपने पेट को स्क्वीज करना है जिससे आपकी जो एब्स की मसल हैं वो अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्ट होंगी और उनकी जो साइज है और जो उनका मसल मास है वो गेन होगा। हमारी एब्स की मसल भी दूसरी सभी मसल्स की ही तरह होती है, इसको भी आपको अपने वेट के साथ ट्रेनिंग करनी पड़ती है तभी ये मसल भी और मसल्स की तरह ही ग्रो होती है। इसलिए जो केबल क्रंचेज हैं वो एब्स पर वेट के साथ वर्कआउट करने का बहुत ही अच्छा मेथड है। इससे आपके एब्स पर नेगेटिव रेजिस्टेंस भी पड़ती है। जब आप वेट को ऊपर की तरफ छोड़ते हो तो बहुत कंट्रोल मोशन में जब अपनी बॉडी को रखते हो तो नेगेटिव रेजिस्टेंस आपकी एब्स की मसल पर रहती है जिससे मसल का जो ग्रोथ है वो दो गुना तक बढ़ जाती है। अपर एब्स के बाद अब लोअर एब्स की हम दो एक्सरसाइजेस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट एक्सरसाइज लाइंग लेग रेज।
इसमें आपको अपने पैर पूरे पीछे तक लेके जाने हैं, जिससे जो आपके एब्स हैं वो अच्छी तरह क्रश होंगे और उन पे प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा। अपर और लोअर एब्स का वर्कआउट हो गया है। ओब्लिक्स का वर्कआउट हम करेंगे। इसमें हम केबल पुली मशीन के थ्रू अपने ओब्लिक्स को ट्रेन करेंगे। कोर का हमारा वर्कआउट एब्स के लिए कंप्लीट हो गया है।